हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट हरी मिर्च के अचार की रेसिपी। किस तरह से आप बना सकते हैं बहुत ही टेस्टी मजेदार चटकारेदार हरी मिर्च का अचार। आप इसको हरी मिर्च का अचार भी बोल सकते हैं, हरी मिर्च की सब्जी भी बोल सकते हैं, और आप इसको लंच में, डिनर में कभी भी खाइए। रोटी, पूरी, पराठे सभी के साथ बेहद ही टेस्टी लगेगी। बहुत अलग तरीके से आज हम इसको बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं कैसे आप बना सकते हैं हरी मिर्च फ्राई बिल्कुल नए तरीके से। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगी हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर थोड़ी मोटी वाली हरी मिर्च ली है जिसको मैंने ऑलरेडी धोकर और पोंछ कर रखा है। इसके बाद में हरी मिर्च को इस तरह से हम 4 पीसेज में कट कर देंगे। इसको हमें पूरा नहीं काटना है नीचे तक। आप देख सकते हैं मैंने नीचे इसको जोड़े रखा है। आप चाहें तो इसके 2 पीस भी कर सकते हैं या फिर इसमें सिर्फ कट लगा सकते हैं, पर इसमें कट लगाना बहुत ज़रूरी है वरना ये हमारे फेस पर आएगी। तो अब इन्हें हमें फ्राई करना है। तो अब हमें लेना है एक कढ़ाई और उसमें डालना है थोड़ा सा तेल। लगभग 3 से 4 चम्मच हमने तेल को गर्म कर लिया और तेल में हम डालेंगे आधी चम्मच के करीब जीरा। तो जब जीरा भी हमारा अच्छे से चटक जाएगा तब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने फ्लेम को थोड़ा हाई रखा था, मीडियम हाई रखा था, और मैंने उसमें जीरा डालकर चटका लिया। और जैसे ही हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे वैसे ही हम फ्लेम को एकदम धीमा कर देंगे, लो कर देंगे। तो लो फ्लेम पर हमें हरी मिर्च को थोड़ा सा सॉटे करना है, कुछ सेकंड भूनना है, और इसमें हम मसाले भी डाल देंगे। तो सबसे पहले धीमी आंच पर इसको इसी तरह से सॉटे कर लें, थोड़ा सा भून लेंगे। 1 से 1.5 मिनट इसको भून लीजिए और इसके बाद में हम इसमें मसाले मिलाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो हरी मिर्च का अचार है, आप इसको हरी मिर्च की सब्जी भी बोल सकते हैं, आप इसको बनाकर रख सकते हैं और फ्रिज में आराम से आप इसको स्टोर कर सकते हैं और आराम से आप इसको 10-15 दिन तक इंजॉय कर सकते हैं। रोटी के साथ, दाल चावल के साथ, सभी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो जब भी आपको खाना बोरिंग लग रहा हो तो आप ये हरी मिर्च बनाकर खा सकते हैं। तो देखिए, हरी मिर्च को फ्राई कर लिया, अब इसमें हम डालेंगे मसाले। मसालों में सबसे पहले डाला है मैंने 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। हल्दी बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। 1 चम्मच मैंने डाला है इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर, जो कि बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है पर बहुत अच्छा कलर देती है। अभी आप देखेंगे जैसे जैसे इसको आप फ्राई करेंगे वैसे वैसे इसमें बहुत अच्छा कलर आएगा। तो आधी छोटी चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद नमक डाल दिया। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा काला नमक जाएगा। काले नमक का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इस हरी मिर्च में। और ये है फ्रेंड्स सौंफ का पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट है डालना और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा इसका। तो मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब भुनी हुई सौंफ का पाउडर बनाकर डाल दिया है। मसाले इसमें जा चुके हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मिला लेंगे। और देखिए, थोड़ा सा तेल मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें लगभग 2-3 चम्मच के करीब तेल और डाल दिया है। अच्छे से मिलाते जाएंगे और आप देख सकते हैं कश्मीरी मिर्च की वजह से हमारी हरी मिर्च का कलर बहुत अच्छा आया है। तो देखिए, अच्छे से मिला लीजिए और धीमी आंच पर ही हमें इसको इस तरह से थोड़ा सा भूनते जाना है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको भून लें। इसके बाद में फ्रेंड, जैसे ही हमारी जो हरी मिर्च है थोड़ी सी सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगी वैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे मलाई और दही। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच मलाई को 2 चम्मच दही में मिक्स करके यानी कि फेट कर रखा हुआ है और वो मैंने ऐड की है। तो टोटल मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब दही और मलाई ऐड कर दी है। इसको भी डाल देंगे और आँच को मैंने बिल्कुल धीमा रखा है। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें जब भी किसी भी चीज़ में आप दही ऐड करें तो आँच को बिल्कुल लो कर दें या फिर गैस को बंद करने के बाद ही ऐड करें, वरना आप जिस भी चीज़ में दही को डालेंगे वो चीज़ फट जाएगी, यानी कि दही फट जाएगा उस चीज़ में। तो धीमी आँच पर अब आपको इसको पकाना है ढककर लगभग 4 से 5 मिनट। तो लो फ्लेम पर मैंने इसको बहुत अच्छे से कुक कर लिया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और हमारी हरी मिर्च भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है, कुक हो चुकी है, सॉफ्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारा इंस्टेंट ग्रीन चिली पिकल, ग्रीन चिली फ्राई, आप इसको जो भी बोलें, हरी मिर्च की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, अपने घर में बनाकर ज़रूर देखें। और देखिए, बहुत ही टेम्पटिंग लग रही है, बहुत ही डिलीशियस लग रही है, बहुत ही प्यारा कलर आया है इसका। तो गैस को ऑफ करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हरी मिर्च है ये छोले भटूरे के साथ भी बेहद ही टेस्टी लगती है। आप इस रेसिपी को अपने घर में बनाकर ज़रूर देखें और बनाने के बाद में फीडबैक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू। बाय।